हाई स्कूल पास वाले ही टाइम से काम करते हैं जी। तो वो क्या क्या बना देते हैं? डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन खत्म हो गया था नहीं सर? डिवीजन मल्टीप्लिकेशन मतलब कैलकुलेशन परसेंटेज एरर। डिवीजन इन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कराना है। हां परसेंटेज एरर का देखो बेटा, ये सर परसेंटेज एरर इन डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का देखिए, परसेंटेज एरर इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, परसेंटेज एरर इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक बहुत एक लोकल जो यहाँ की छुट्टियाँ हैं वो हटाई जा सकती है, क्योंकि जो पहले चल
हम लोग जो डिटेल से आते हैं खुद ही कैंसिल करवा लें, पर मतलब जो लोकल फालतू की ठीक संडे को भी हमने क्लास लिया है, संडे को भी क्लासेज होती फर्स्ट टाइम भी करा था तो संडे को भी क्लासेज हमने लिया है। कोविड में ऑनलाइन जो वीडियो बनती थी संडे को भी, खासकर फिजिक्स की तो बनती बनती थी, फिजिक्स केमिस्ट्री मतलब बायोलॉजी भी बनती थी, तो वही कभी वो भी बनती थी ठीक, क्योंकि यहाँ पर थ्योरी भी बताना है और मैथमेटिकल भी पोर्शन है। छुट्टी हो जाएगा टाइम किया हमने तो प्रॉब्लम शांति आती है। अभी वाले सर हैं तो वो अभी पेन का जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग ही काम कर रहे हैं। हो गया बेटा इसके लिए जितना आपको मिलता है उसमें आप बेहतर करिए ठीक है, बाकी अपना है कभी होगा तो आज केमिस्ट्री चलेगी तो बाहर गया होगा जिसका
परसेंटेज एरर, कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ, इन मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी ऑफ ए क्यूब, इन मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी ऑफ ए क्यूब, ये क्यूबॉइडल बॉडी का तो जो भी कर आप एक क्यूब, ठीक, कोई क्यूबिकल बॉडी है या क्यूबिकल बॉडी का तो क्यूब आर क्यूबिकल बॉडी मतलब घना का घन है कोई, ठीक, क्या है आप एक क्यूब लिखिएगा। इफ इफ परसेंटेज एरर इन, इफ परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ इट्स मास, परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ इट्स मास, परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ इट्स मास इज, परसेंटेज एरर मेजरमेंट ऑफ इट्स मास इज, लिखिएगा मास के मेजरमेंट में परसेंटेज इन मेजरमेंट ऑफ इट्स मास इज 2% एंड इन मेजरमेंट ऑफ इट्स लेंथ, मतलब जो भी भुजा है क्यूब है तो सारे आर्म्स क्या होते हैं बेटा बराबर, मेजरमेंट ऑफ इट्स आर्म इज 1%, इज 1% ऑफ इट्स आर्म, एक साइड कह लो आर्म का कहना साइड, एक साइड के नापने में जो उसमें एरर हो रहा है त्रुटि हो रही है वो 1% की, कितने परसेंट है 1% की है, तो आपको निकालना है बेटा परसेंटेज एरर किस में, मेजरमेंट उसकी डेंसिटी की मापन में। और कितने लोग, कितने लोग को डेंसिटी का फार्मूला मालूम है हाथ रही है, डेंसिटी घनत्व इंजन क्या करेगा, घनत्व बराबर क्या होता है हाथ उठाओ, तो बोलो नहीं हाथ उठाओ, जिनको मालूम बोलो हाथ उठाओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बस सभी लोग को मालूम है, सिक्स सेवन्थ लेवल पे पढ़ते हैं घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे क्या डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम पढ़ा है ना, कितने परसेंट आ गया सर आपका 8, सही है 8 या 5% होगा, अरे दो आंसर कैसे होगा 8 के उल्टे, सही लगा बात नहीं, काफी खराब होगी ना, अगली बार आ जाएगा ना, काफी मत बचाओ, जब भी क्वेश्चन मुझे ट्राई जरूर करिए भले से गलत हो जाए, ठीक, जो इलेक्शन करता वही नेता बनता है, जो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता वही सेलेक्ट होता है, घरे बैठे पे सोचे कि हमारा हो जाएगा तो कैसे होगा, क्वेश्चन लगाओगे तभी आएगा ना, कितने लोग आ गया 1, 2 नहीं है कितना है 2% पक्का आओ लो, प्लस 3 इंटू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू कितना
आपके मेजरमेंट में परसेंटेज है, कितने परसेंट दिया है? 2% मास। देखो क्वेश्चन में बोला मैं मास के मेजरमेंट में परसेंटेज कितना है, 2% का है। इसे कहेंगे परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ मास, जिसे कहेंगे द्रव्यमान के मापन में प्रतिशत त्रुटि। ठीक, इसकी वैल्यू कितनी है? 2% इंटू 3। ये कहेंगे उसकी क्या साइड या क्या आम उसकी भुजा के मापन में कितने परसेंट की त्रुटि है, कितना बुरा? 1 3 इंटू 1 हो सकती है या होगी इस डाटा के अकॉर्डिंग, कितने परसेंट की? 5% का एरर वहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक, चलिए जल्दी करिए। अगला लिखेंगे ये टॉपिक जो आप लोग पढ़ रहे हैं, 3 लेक्चर का था लेकिन चौथा लेक्चर चल रहा है, क्योंकि आपकी स्पीड अभी क्या है, स्लो है, अलग अलग लेवल के लोग हो। ठीक, अभी समझाने में स्टार्टिंग में क्या करना पड़ता है, ये चीज़ें को मैनेज करनी पड़ती है। आप बेटा
सात, ग्यारह से सात कैसे चेक करो? इसलिए मतलब जल्दी नहीं करना चाहिए, अगर जल्दी करोगे तो सही करो। इसमें सिर्फ मोल मार कर यूनिफॉर्मली ए डिस्टेंस ऑफ 13.8 प्लस माइनस 0.2 13.8 प्लस माइनस 0.2 मीटर इन टाइम हार्ट 13.8 प्लस माइनस 0.2 मीटर ये टोटल मीटर में है मेरे पास ठीक इन टाइम 4.0 प्लस माइनस 0.3 4.0 प्लस माइनस 0.3 सेकेंड देन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज देन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज देन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज उस बॉडी की जो वेलोसिटी होगी वो कितनी आएगी ऑप्शन नहीं देते छापोगे क्या ऑप्शन भी लिख लो बेटा चाह रहे हैं 3.45 प्लस माइनस 0.2 मीटर पर सेकेंड पहला ऑप्शन है 3.45 प्लस माइनस 0.2 मीटर पर सेकेंड दूसरा ऑप्शन है बेटा 3.45 प्लस माइनस 0.3 मीटर पर सेकेंड 3.45 प्लस माइनस 0.3 मीटर पर सेकेंड और लास्ट कहेंगे तीसरा गैप 3.45 प्लस माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड 3.45 पहला डाटा वही है सब में
3.45 प्लस माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड, और चौथा आपको दिया गया है 3.45 प्लस माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड, प्लस माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड। कॉन्सेप्ट का सत्तर दूसरा हो गया बेटा। कितने लोग आया, कितने लोग आ गए, आप नौ। देखो कैसे करेंगे, सुन लीजिए, कुछ है नहीं, आप निकालते हो डिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है, वेलोसिटी जो होगी बी बाई टी होता है, बी की वैल्यू 13.8 है, टाइम की वैल्यू बेटा 4 सेकेंड है, एक्चुअल वैल्यू जो है 13.8 अपॉन क्या है 4 है, तो ये मिल जाएगा। डिवाइड करोगे पहला डाटा 3.45 सब में आ रहा, वही आएगा। दूसरा है आपको प्लस माइनस के साथ हमारा क्या दिया गया है, एब्सोल्यूट एरर दिया गया है। आपको बोला गया था बेटा दो क्वांटिटी में जो एरर आपका होता है ना, अगर दो क्वांटिटी हैं जब डिवाइड हो रहा है तो वहाँ पे जो एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू उसके रिजल्ट में होगी वो मैक्सिमम जो क्वांटिटी गिवन है उसमें जो एब्सोल्यूट एरर है उसके बराबर होगा, मैक्सिमम की जो वैल्यू होगी उसी के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर दो क्वांटिटी सम या डिफरेंस में मिलता तब उस केस में टोटल हम रिजल्टेंट निकालते हैं, फिर जितना हमारा एब्सोल्यूट एरर इंडिविजुअली है उसको क्या सम करके टोटल क्वांटिटी से डिवाइड करके फिर वहाँ से फाइंड करते हैं। बट अगर जो क्वांटिटी हमारा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में है उसमें जो पीक वैल्यू वाला क्वांटिटी है उसके बेस में हम लोग क्या निकालेंगे, वहाँ से प्लस माइनस साइन उसके बराबर ले लेते हैं। ठीक, तो कंडीशन हमारा कितना है, पहला दादा 3 सब में 3 कितना है 4, और प्लस माइनस में वैल्यू हमारी चेंज हो रही, तो मैक्सिमम वैल्यू चूँकि हमारा कितना दिया गया था 0.5, राइट, नहीं मैक्सिमम वैल्यू पॉइंट थे तो उसके बराबर हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। ठीक, और अगर यही सम और डिफरेंस में होगा तो वहाँ से हम लोग सम करके फिर टोटल वैल्यू से डिवाइड करके फिर निकालते हैं, दोनों की अलग अलग होती है। फिलहाल इस क्वेश्चन का है, इसे पे क्वेश्चन और कर लीजिए, एक क्वेश्चन इसे पाओ कर लो बेटा, जैसे डिवाइड किया 3.45 आया है, एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू आपको 0.3 मैक्सिमम दी गई है। देखो एक में मैक्सिमम वैल्यू कितना है 0.3 है, दूसरे 0.2 है, तो पीक वैल्यू कौन वाली है 0.3, उसी के बराबर हम लोग रिजल्ट देते हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन करिए, सम और डिफरेंस वाले में कर लीजिए। देखिए इन एन एक्सपेरिमेंट, क्वेश्चन लिखिएगा इन एन एक्सपेरिमेंट टू कैपेसिटीज, दो कैपेसिटेंस हैं जिनका कैपेसिटी का टू धारिता जिसे कहते हैं ऑप्शन धारित्व धारिता, कैपेसिटीज मेजर्ड आर, दो को नापा गया मेजर्ड आर ARR 1.3 प्लस माइनस 0.1 माइक्रोफेरेड, μF माइक्रोफेरेड में है,
एंड 2.4 प्लस माइनस 0.2 माइक्रोफैरड, 2.4 प्लस माइनस 0.2 माइक्रोफैरड। लेकिन कैलकुलेट द टोटल कैपेसिटी, कैलकुलेट द टोटल कैपेसिटी इफ द टू कैपेसिटर्स, इफ द टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड, टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल विथ, इन पैरेलल विथ परसेंटेज एरर। ऊपर वाले जो इसके पहले क्वेश्चन किया था वहाँ विथ परसेंटेज एरर नहीं था, खाली वेरासिटी निकालनी थी आपको, तब वहाँ पे हमने मैक्सिमम डाटा रख लिया था। यहाँ विथ परसेंटेज एरर पूछा गया है, विथ परसेंटेज एरर। अब जरा निकाल के दिखाओ, बताया या करोगे? लेकिन जल्दी करिए, अरे पहले जल्दी करिए। नहीं आ रहा कितने लोग कैपेसिटर पढ़े थे पहले, तो वही क्वेश्चन हो जाएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट वैल्यू कितने लोगों को मालूम है, कैसे निकालते हैं पैरेलल में? ये इन्होंने बोला सी इक्वल टू सी वन प्लस सी टू, पक्का है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। याद रखेंगे पहले जब आप कैपेसिटर को जोड़ते हैं, इसी पड़ा बेटा संधारित, संधारित को जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं, इसमें जोड़ते हैं समांतर क्रम में जोड़ते हैं, उस कंडीशन में पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ने पे वहाँ पे नेट सी की जो वैल्यू आती है उनके सम के बराबर, यानी सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री करेंगे, पैरेलल में जोड़ेंगे। और जब उसी को हम लोग सीरीज में जोड़ते हैं तो वन अपॉन सी इक्वल टू वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू प्लस वन अपॉन सी थ्री एंड सो ऑन करेंगे। ठीक, जस्ट इसी का अपोजिट होता है रेजिस्टेंस में, यानी प्रतिरोध में। रेजिस्टेंसेस को जब पैरेलल में जोड़ते हैं तो वहाँ पे आता है वन अपॉन आर इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। मतलब प्रतिरोध रेजिस्टेंस को वन अपॉन आर के टर्म में जोड़ेंगे पैरेलल में, और कैपेसिटर को डायरेक्टली जोड़ेंगे। ठीक, और जब हम लोग इसी का उल्टा कर लेंगे सीरीज में, रेजिस्टेंस को डायरेक्टली जोड़ेंगे और कैपेसिटर को रेसिप्रोकल सम कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस नहीं दिया है, क्या दिया बेटा? कैपेसिटर दिया गया है। ठीक, तो बोला गया दो कैपेसिटर हैं जिनकी वैल्यूज दी गई 1.3 प्लस माइनस 0.1 एंड 2.4 प्लस माइनस 0.2, इनको पैरेलल में जोड़ा गया। बोला गया उनका जो रिजल्ट होगा वो परसेंटेज एरर के साथ कितना होगा, इक्विवेलेंट वैल्यू किसके साथ है बेटा? परसेंटेज एरर के साथ उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू कितनी आएगी ये हमें निकालनी थी। तो पहले तो हम लोग निकाल लेते बेटा इक्विवेलेंट वैल्यू क्या होगी। तो जो आपको सी दिया गया है फिजिक्स से डर लगता है आपका, कितने लोग को फिजिक्स से डर लगता है? बस इतने ईमानदार लोग हैं तीन, बाकी सब हैं लगता है उठाते नहीं। अरे बेटा सबसे आसान सब्जेक्ट फिजिक्स होता है, पूरे क्या क्या साइंस का सबसे इजी होता है, कहोगे ऐसे कैसे? हाँ ठीक, नहीं ये सच्चाई है। ठीक, सबसे आसान सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट साइंस स्ट्रीम का फिजिक्स होता है। आपको थ्योरेटिकल भी मिलता है, मैथमेटिकल भी मिलता है, कंसेप्चुअल भी मिलता है, सारे का क्या कॉम्बिनेशन होता है। मतलब मन कम लगे थ्योरेटिकल पढ़ लो, अच्छा लग रहा है दिमाग तो क्या न्यूमेरिकल लगा लो, एवरेज में है तो कंसेप्चुअल पढ़ लो, या सारी चीज़ यहाँ अवेलेबल है। बाकी भी एक चीज़ मिलता है यहाँ पे, केमिस्ट्री भी दोनों चीज़ें मिल जाती है, थ्योरेटिकल एंड क्या मैथमेटिकल। ठीक, बट कॉन्सेप्चुअल बहुत वहाँ कुछ नहीं ऐसा है। ठीक, तो वो चीज़ें आपकी हो जाती हैं। ऐसा नहीं कहते बायो में नहीं है, बायो का अलग कंडीशन है उसकी। हाँ इसका देखो, तो इस केस में क्या बोला गया, रेजिस्टेंस पैरेलल में है बेटा, तो सी पी की जो वैल्यू होगी वो सी वन प्लस सी टू के बराबर होगा। ठीक, सी वन की वैल्यू कितनी बोली गई बोलो? 1.3 प्लस माइनस 0.1 प्लस माइनस 0.1 मैं 0.1 नहीं बोला, खाली प्रॉब्लम में वैल्यू चाहिए।
2.4। आपको बोला गया था पहले का कैपेसिटेंस की वैल्यू 1.3 है, दूसरे का 2.4 है, ठीक। 1.3 की वैल्यू 2.4 है, दोनों को 3.7 ये सी की वैल्यू होगी। अच्छा, सी की वैल्यू आगे 3.7 माइक्रोफैरड। हमें एब्सोल्यूट एरर यहाँ पे दिया गया है, जो एब्सोल्यूट एरर होगा डेल्टा सी की वैल्यू जो होगी वो डेल्टा सी वन प्लस डेल्टा सी टू। डेल्टा सी वन पहले में कितने का एरर है 0.1, 0.1 दूसरे 0.2, 0.2 पूरा एरर कितना हो गया 0.1। ये एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू हमें मिल गई, इसकी वैल्यू मिल गई एब्सोल्यूट एरर। देखो अगर आपको डायरेक्ट खाली पूछा होगा कितनी क्वांटिटी है तो हम लोग सीधा सीधा लिख लेते, लेकिन यहाँ पूछा गया विथ परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर के साथ उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होगी, इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, परसेंटेज एरर की वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेगी। इसकी वैल्यू बेटा परसेंटेज एरर की वैल्यू आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो परसेंटेज एरर एब्सोल्यूट वैल्यू, परसेंटेज एरर इन सी, सी के मीटर में परसेंटेज एरर कितना होता है, डेल्टा सी अपॉन सी 200 होता है बेटा। डेल्टा सी देखो हमने काम किया गया था 0.3 है, सी की वैल्यू कितनी है 0.7, तो कितना 100। इसको मल्टीप्लाई करोगे एक एक्सपोनेंट ऊपर नीचे है कैसे कर दें, तो ऊपर डेटा देगा 300/37, आप डिवाइड कर लेना बेटा जितना परसेंट आपका आ रहा है, कितनी बार जाएगा कितने टाइम जाएगा 300/ कितना 37 डिवाइड करो कितनी बार हो जाएगा 9 से कम 8 से ज़्यादा 8.12 ऐसे कुछ आएगा, डिवाइड कर लीजिएगा ठीक है अप्रॉक्सीमेटली। अरे अगर 40 ले लें तो बी अबाउट हमारा क्या आएगा 8.something आएगा, देख लेना 12 में भी आ रहा होगा। इतना परसेंट हमारा एरर हो गया, इतना परसेंट क्या हो गया परसेंटेज एरर की वैल्यू सी में आपको इतने परसेंट 8.1। हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि आपको वैल्यू बोलनी है तो वैल्यू वैल्यू में परसेंटेज एरर, ठीक। तो आपका जो रिजल्ट आपका हो जाएगा सी की वैल्यू कितना निकाला बोल 3.7, तो रिजल्ट होगा रिजल्ट विद परसेंटेज एरर के साथ तो ये आएगा 3.7 प्लस क्या माइनस 8.1% प्लस माइनस 8. कितना 1%, मतलब उसकी जो वैल्यू परसेंटेज एरर के साथ हो गई वो वैल्यू हमें मिली कितनी, कितना आ गया बेटा 3.7 प्लस माइनस कितना 8%, 3.7 माइक्रो फैरड में है ध्यान रखेंगे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो वैल्यू हुआ अगर सम करना है तो इस तरह से निकालेंगे, ठीक। चलिए तो क्वेश्चन जो डिफरेंट टाइप के इससे परसेंटेज पे बनते हैं बेटा वो आपको बता दिया गया है, ठीक है। हो जाएगा, पहले आपके यहाँ फिलहाल नहीं पूछा जाता था बट अब प्रेजेंट टाइम में आपको पूछा जाता है बर्नियर कैलिपर्स स्क्रू गेज के लिए हम लोग कैसे निकालते हैं लिस्ट काउंट की बेस पे। लिस्ट काउंट तो फिलहाल हमने एक बार पहले बता चुके हैं आपको, ठीक। तो थोड़ा सा उसी पे एक दो क्वेश्चन कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं क्वेश्चन एक दो कर लीजिए, ये चीज़ें आपकी ये चैप्टर आपका खत्म हो जाए आज एटलीस्ट, ठीक। तो थोड़ा सा समझ लीजिए बेटा, जो लोग वैसे मैक्सिमम लोग थे कुछ लोग नहीं थे पहले, तो देखो एक होता बेटा लिस्ट काउंट, फिर से दोबारा बता देना, ऑलरेडी एक बार बताए थे। हिंदी में कहते हैं अल्पतमांक, हिंदी में क्या बोला जाता है अल्पतमांक या अल्पतमांक भी उसे हम लोग बोलते हैं, अल्पतमांक क्या गया उसी को अल्पतमांक भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है देखो, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो मिनिमम बैच है, कितने लोग याद है ये बताया गया था, कितने लोग याद आ चुका 1, 2, 3 लिस्ट काउंट अल्पतमांक समझाया था पहले फर्स्ट लेक्चर में ही शायद समझाया गया था या सेकेंड में, सेकेंड लेक्चर में आपको समझाया गया था लिस्ट काउंट। दो तीन लोग खाली याद रखते हैं, देखो बेटा पढ़ना और उसको फिर क्या याद रखना दोनों ही आपका क्या है इसलिए। चलिए बताइए कौन कौन बताइए तैयार है जी, लिस्ट काउंट क्या था बता दें सर, त्रुटि होती है किसी भी यंत्र द्वारा किसी भी मापन का छूट कितना अल्पतम कितना मिनिमम मान ज्ञात किया जा सकता है, किसी भी यंत्र के द्वारा उसकी न्यूनतम त्रुटि को उसका लिस्ट काउंट करते हैं। बैठिए उदय कौन सा नाम बता सकते हैं,
कहते बोलो और कोई देखो होता है पीछे सुन लीजिए भूल ही जा रही है आपकी। किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो भी इंस्ट्रूमेंट आपको दिया गया बेटा उस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो मिनिमम वैल्यू एक्यूरेटली आप मेजर कर सकते हो मिनिमम वैल्यू एक्यूरेटली जिस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो मिनिमम आप मेजर कर सकते हैं वो उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कहलाता है। जिस इंस्ट्रूमेंट से आप मेजरमेंट ले रहे हो बेटा उससे मिनिमम वैल्यू कितना आप सही सही नाप सकते हो कौन सी वैल्यू मिनिमम कितनी वैल्यू आप सही सही मेजर कर सकते हैं उसे हम लोग उसकी लिस्ट काउंट कहते हैं। द मिनिमम वैल्यू विच कैन बी मेजर्ड बाई एनी इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेटली एज नोन एज लिस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट एंड लिस्ट काउंट ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट विल बी ऑलवेज इक्वल टू क्या एब्सोल्यूट एरर बाई दैट इंस्ट्रूमेंट उस इंस्ट्रूमेंट का वही एब्सोल्यूट एरर कहलाता है। एब्सोल्यूट एरर की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है किसी इंस्ट्रूमेंट के बाद जो मेजरमेंट लेते हैं ना वो उसके बेटा लिस्ट काउंट के बराबर होता है। इसके बाद होता है लिस्ट काउंट के बराबर उससे ज़्यादा गलती नहीं कर सकता है मैक्सिमम जो फॉल्ट कर सकता है वो अपने लिस्ट काउंट के बराबर कर सकता है उससे ज़्यादा वो फॉल्ट नहीं उस इंस्ट्रूमेंट से होगा। ठीक तो लिस्ट काउंट वो वैल्यू होगी जो किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम लोग क्या मिनिमम वैल्यू सही सही मेजर कर सकते हैं। जैसे बिगर स्केल आपको बोला गया था पटरी जैसे आप ले लेते हैं मिनिमम वैल्यू कितना नाप सकते हैं सही सही 0.1 सेंटीमीटर 0.1 सेंटीमीटर या उसी को 1 मिलीमीटर कहते हैं। आप स्केल कोई रखा है यहाँ पर पटरी जी किसी के पास स्केल हैं कितने भी स्केल देखे ही नहीं यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं देखा था तो मालूम भी नहीं देखो एक स्केल स्केल किया ये है स्केल। ठीक अब आप लोगों को शायद देखे ना क्योंकि बहुत डल हो गया है इसमें देखो एक मिनिमम ये लाइनिंग जो है सबसे पतली वाली जो लाइनिंग होती है ये सबसे थीन है जो क्लोजेस्ट जो लाइन है इसका वैल्यू 1 मिलीमीटर होता है बेटा। मतलब इस स्केल के द्वारा मैं मिनिमम वैल्यू जो एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं 1 मिलीमीटर मेजर कर सकते हैं। अगर उससे कम आप मेजर करके आप डाटा कोई देते हो तो डेट मीन्स वो डाटा कैसा है रॉन्ग है गलत है। भाई हम इससे 1 मिलीमीटर कम से कम मेजर कर सकते हैं 0.5 मिलीमीटर हमने मेजर किया है तो 0.5 मिलीमीटर का डाटा सही हो सकता है क्या नहीं। अगर 1 मिलीमीटर आप मेजर कर सकते हो एक्यूरेटली तो उससे 0.5 मिलीमीटर कैसे नाप सकते हैं असल ही नहीं है इसका तो आपने क्या आइंदन कहते तुक्का मारा है। ठीक तो वो सही नहीं हो सकता है। ऐसे ही आपको बोला था वर्नियर कैलिपर्स जो वर्नियर कैलिपर्स होता है उससे मिनिमम वैल्यू हम लोग कितना 0.1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर मेजर कर सकते हैं। ठीक और जब हम लोग 0.01 हो जाएगा जब सेंटीमीटर में करोगे और जब हम लोग क्या क्या बात करेंगे स्क्रू गेज का वहाँ 0.01 मिलीमीटर या 0.001 सेंटीमीटर सही सही नाप सकते हैं वो उसका लिस्ट काउंट होगा। और आपको एक चीज़ और बोला गया था जिस इंस्ट्रूमेंट के लिस्ट काउंट की वैल्यू जितनी कम होती है उससे मेजर की गई वैल्यू बेटा उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेट होगी उतनी ही ज़्यादा शुद्ध होगी। आपको एग्जाम्पल गन्ना लगवाया गया था याद है ना उस कंडीशन में क्या होता है कि एक्यूरेसी जिस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जितना मिनिमम हम मेजर कर सकते हैं इसका मतलब उस इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी उतनी ही ज़्यादा है। ठीक तो ये केस आपका होता है उसके बेस पर दिखा देते कौन ज़्यादा होगा। तो अपने यहाँ पे क्वेश्चन बनते बेटा बर्नियर कैलिपर्स और इसको गेज पे बनाए जाते हैं बर्नियर कैलिपर्स एंड इसको गेज पे बनाए जाते हैं। पहले इधर नहीं पूछा जाता था पहले IIT वालों को पूछा जाता था बट इधर कुछ सालों से नीट वालों ने कॉपी कर लिया उसको नीट में भी पूछा जाने लगा है। ठीक तो यहाँ बहुत टेढ़ा नहीं बनता है सिंपल क्वेश्चन आपको बनाए जाते हैं फार्मूला ये आपको दे देगा डाटा उसके अकॉर्डिंग पूछा जाएगा क्या उसकी लिस्ट काउंट कितनी होगी या एक्यूरेट वैल्यू क्या होगा दो टाइप का पूछा जाता है। जो मेजरमेंट हम लेंगे उसकी एक्यूरेट वैल्यू क्या होगी या दूसरा आपको पूछा जाता है उसका लिस्ट काउंट कितना होगा आइदर लिस्ट काउंट और एक्यूरेट वैल्यू दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है तो एक हो गया लिस्ट काउंट दूसरा हो गया एक्यूरेट वैल्यू क्या होगी उसके बेस पर हम यहाँ से रिनोट कर लेते हैं। तो लिख लीजिएगा बेटा लिस्ट काउंट याद रहेगा यस सर पक्का है जी याद हुआ। देखो जब बोला जाए समझाया जाए बेटा ना तो थोड़ा सा एक्टिव रहा करिए तो ये नहीं जब थोड़ा सा एक्टिव रहोगे तो दिमाग में तो जाएगा नहीं तो फिर ऊपर से करा जाता है। ठीक थोड़ा सा एक्टिव रहो क्योंकि अब सीखना है उस चीज़ को। ठीक है तो जब सीखना चाहेंगे तो पक्का सीख जाएंगे। जैसे कुछ लोगों ने पढ़ा है कुछ लोगों ने कम पढ़ा है कितने लोग एकदम नहीं पढ़े हैं हाँ तो कितने लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा ऐसा भी कोई पढ़े हैं सब लोगों ने तो उस केस में फिर उसको रिवाइज कर लीजिए।
चले देखो, तो उस केस में क्या होगा, लिस्ट काउंट पता भी नहीं देखिए देते हैं, ये सब सबमिट करके जाना है ना। तो उस केस में क्या लिस्ट काउंट क्या होगा बेटा, उसके बेस में हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक, तो लिखिएगा पहला, थोड़ा सा लिख लीजिए, हम फार्मूला बोल लेते हैं। देखो अब यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट तो है नहीं कि दिखाया जाए, कितने लोग लाइन में वर्नियर कैलिपर्स देखा है, लैब में फिजिक्स लैब में हुआ करता है वर्नियर कैलिपर्स, चलिए इतने लोग ही लैब में गए थे। हाँ ठीक, चलिए जो ऐसे एक सिंपल से हम बता देते हैं उसे कंपेयर कर लो। अब एक स्लाइडर आती है क्या, जैसे चीज़ों को खोलने के लिए ना क्या आती है, स्क्रू है क्या, स्क्रू नहीं यार, पेचकस नहीं। आप ले लो एक ऐसे स्लाइड करके बोल्ट के अकॉर्डिंग उसकी साइज को हम घटा बढ़ा सकते हैं, रिंच जैसे ही बोल लेते हैं। ठीक, स्लाइडर रिंच होती है। ठीक, उससे क्या करते हैं, छोटे बोल्ट पीछे का खोलना होगा तो पास में कर लेते हैं, बड़े खोलना होता है तो दूर कर लेते हैं। क्या नाम बोलते हैं, सड़सी अलग चीज़ है। ठीक, स्लाइडर रिंच बोल लेते हैं, तो देखो ऐसा कुछ होता है। इसी से रिलेटेड आपको पूछा जाता है, इसमें दो कंडीशन आपकी होती है, एक कहलाता है मेन स्केल, इसमें तो क्या कहते हैं बेटा, मेन स्केल मेन स्केल के बारे में। और यहाँ पे जो रीडिंग इसमें बनी होती है, इसे कहते हैं बेटा वर्नियर स्केल, बीएसडी क्या बोलेंगे, वर्नियर स्केल बोलते हैं। ठीक, वर्नियर स्केल बोलते हैं। ठीक, तो इस कंडीशन में जो मेन स्केल हो गया, दूसरा हो गया बेटा हमारा वर्नियर स्केल, इन्हीं दोनों स्केलों को हम लोग मैच करा के फिर किसी भी चीज़ का क्या एक चैट पर बैलो मीजा करते हैं, उसका डायमीटर या फिर उसकी लेंथ जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, उसकी बैलो को हम लोग क्या करते हैं, मीजा करते हैं। अब क्वेश्चन जो हमें पूछे जाते हैं, बोला जाएगा उसका वर्नियर कैलिपर्स की लिस्ट काउंट की वैल्यू कैसे काउंट करेंगे, क्या होता है, तो कंडीशन होता है जो वर्नियर स्केल पे एक खाना होता है उसके जो लेंथ होती है उसे वर्नियर स्केल डिवीजन, जितने पार्ट में बटा होता है उसे हम लोग वर्नियर स्केल डिवीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्नियर स्केल डिवीजन बोलते हैं। और जो हमारा क्या होता है मेन स्केल पे बना होता है उसे वर्नियर मेन स्केल डिवीजन बोल देते हैं। ठीक, तो एक वर्नियर हो गया, दूसरा क्या हो गया आपका मेन स्केल आपका होता है। अब कंडीशन क्या होता है, जब हमें डिटरमाइन करना होता है लिस्ट काउंट, तो वर्नियर स्केल डिवीजन को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं वी एस डी, क्या बोलेंगे, वी एस डी वर्नियर स्केल डिवीजन बोलेंगे। ठीक, और जो मेन स्केल डिवीजन होता है उसे बोला जाता है एम एस डी मेन स्केल डिवीजन। सुना है कुछ, सब चैनल गाया गया, थोड़ा पढ़ लिया गया। देखो दो चीज़ें हैं, आपसे जो गलतियाँ हुई या जो भी चीज़ें आपकी व्यवस्थाएँ पीछे मिली थी, जैसे मिली थी कोई बात नहीं, बट अभी ज़रूरत है आपको पढ़ने की, बिना पढ़े होता नहीं बेटा, यूनिवर्सल ट्रुथ है, बिना पढ़े सिलेक्शन नहीं होना है। अगर कोई तो गलत फहमी में जी रहा हो कि हम ऐसे तुक्का मार के कर लेंगे, पॉसिबल नहीं है यार। ठीक, ना हो तो घर पड़ोसी या अड़ोस पड़ोसी और क्या मोहल्ले में कोई ना कोई बहुत सारे लोग तैयारी किए होंगे आपके अड़ोसी पड़ोसी, हुआ इन्हीं का होगा जिन्होंने पढ़ा होगा, ऐसा कोई एग्जाम्पल बता दो बिना पढ़े हुए हो, आपको बेवकूफ़ बनाने नहीं वाले, पहले हम आपको सोचते थे हमारा हो गया बट काम गया, आपको बेवकूफ़ बना रहा कि आप ना हो। ठीक, तो उस कंडीशन में बिना पढ़े किसी के नहीं होते, यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक, तो पढ़ना है, अब अगर आपने अच्छे से पहले पढ़ा है तो थोड़ी सी सुकून है, नहीं पढ़ा है तो वो पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक, इसलिए ईमानदारी से बेटा जो भी किताबें आपके पास हैं, नहीं हैं तो परचेज़ कर लीजिए, जैसे भी व्यवस्था मिल जाती है आपको। ठीक, तो उस कंडीशन में पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, और मोबाइल से नहीं, कभी मोबाइल के व्यवहार में नहीं होते, मोबाइल से आप उन चीज़ों को कभी, जैसे मान लीजिए आपको कोई चीज़ है
नहीं अवेलेबल हो पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, तो उससे आप सर्च कर लीजिए। लेकिन हर चीज़ मोबाइल की सर्चिंग राइट ही नहीं होती, बहुत सारी चीज़ रैम भी अपडेटेड है, ये पीछे ध्यान रखेंगे। मैक्सिमम चीज़ एक्यूरेट अब हो गया, पहले से तो बहुत गलतियाँ मिलती थी, अभी तो मैक्सिमम एक्यूरेट है, लेकिन फिर भी सारी चीज़ें नहीं मिल पाती, ठीक है। इसलिए बेटर है अच्छी किताब ले लीजिए और उसको पढ़िए और खूब क्वेश्चन करिए, जितना आप मैक्सिमम पॉसिबल हो उतना क्वेश्चन करिए। जितना क्वेश्चन करेंगे उतना कन्फ्यूजन दूर होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, टाइम क्या टेकिंग जो होगा आपको पर क्वेश्चन लगाने का वो शॉर्ट आउट यानी स्पीड आपकी बढ़ेगी, ठीक। और जब ये सारी चीज़ें हो जाती तब जाके आपको क्या संरक्षण होता है, ठीक। उससे पहले कोई शॉर्टकट नहीं होता, इसलिए अभी से पढ़ना शुरू कर दो, स्टार्टिंग है, नहीं तो जब दो चार चैप्टर निकल जाएगा तो आप मैनेज नहीं कर पाओगे, तब आगे पढ़ोगे तो पीछे छूटेगा, पीछे पढ़ेंगे तो आगे छूटेगा, ठीक। इसलिए थोड़ी सी अपनी अपने क्या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको थोड़ा सा क्या करिए पूरा करिए, ठीक है। तो बोला गया मेन स्केल डिवीजन और वरियर स्केल डिवीजन, बेटा लिस्ट काउंट निकालने का हमारा जो तरीका होता है, लिस्ट काउंट वरियर कैलिपर्स का होते हैं 1 MSD - 1 VSD, 1 MSD - 1 क्या होता है VSD होता है। एक मेन स्केल डिवीजन में से वरियर स्केल डिवीजन को क्या करिए आप घटा दीजिए, तो जो वैल्यू दोनों का डिफरेंस मिलता है वो हमारा वर्नियर कैलिपर्स का हम लोग क्या कहेंगे, उसी के बेस पे लिस्ट काउंट की वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं वर्नियर कैलिपर्स के लिए, ठीक। 1 MSD - 1 VSD, तो लिस्ट काउंट हम बात करते हैं वर्नियर कैलिपर्स का, फार्मूला नोट कर लीजिए जाना है, इसी वजह से भी पिथ वाला था, पिथ वाला नंबर ऑफ कॉइल सर अभी जो बता देंगे, तो लिखिए वर्नियर कैलिपर्स, हेडिंग बना लो जो पूछा जा रहा है वो आप कर लीजिए, वर्नियर कैलिपर्स दो लाइन इसके बारे में लिख लीजिए, लिखिएगा इट इज़ अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरमेंट, एक्यूरेट मेजरमेंट कर लो, यूज फॉर ऐसे, ये दो ही लोग सब चले गए, इनसे बाद में बात की है तो मेरे साथ चलिए तुमका आप लोगों का साइन हो गया है, एक पेज निकाल लीजिए बेटा, एक पेज निकाल दीजिए और नाम सब लोग नाम साइन मार्क करके दे, फादर्स नेम और साइन करके दे दीजिए, ओपन नोट कर लो, तो लिखेंगे बेटा क्या कहते हैं, इट इज़ अ डिवाइस यूज फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट, एक्यूरेट मेजरमेंट यूज फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट, इन वर्नियर कैलिपर्स, इन वर्नियर कैलिपर्स टू स्केल्स वन इज वर्नियर स्केल एंड अदर इज मेन स्केल, दो स्केल होते बेटा, एक मेन स्केल होता है और दूसरा क्या होता है वर्नियर स्केल, अदर इज मेन स्केल। अब इसमें एक चीज़ बताते हैं, जो मेन स्केल होता है ये फिक्स होता है, ये मूवमेंट नहीं होता है, किसका मूवमेंट होता है वर्नियर स्केल, आप इधर उधर सेट कर सकते हैं, आपका जो हमारा क्या है मेन स्केल है उसका कोई मूवमेंट नहीं होता, तो लिखिएगा आगे द मेन स्केल इज फिक्स्ड व्हाइल वर्नियर स्केल इज, मेन स्केल इज फिक्स्ड व्हाइल वर्नियर स्केल इज Vernier scale is movable along the main scale. Vernier scale is movable along the main scale. जो Vernier scale होता है तो main scale के along कैसा होता है बेटा, movable होता है, मतलब move कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे बाकी कहानी होती, कहानी पे ना तो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है ना ही बेटा आपके यहाँ क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, जो पूछा जाता है वो आता है क्या हमारा लिस्ट काउंट, तो नीचे लिखिएगा
लिस्ट काउंट ऑफ वन ईयर स्केल वन ईयर कैलिपर्स कर दो, लिस्ट काउंट ऑफ वन ईयर कैलिपर्स। देखो करते क्या बेटा, इसमें हम लोग वन ईयर पहले स्केल तो आगे पीछे सेट करते हैं इस तरह से, जब तक उसका जीरो पॉइंट जो होता है नल पॉइंट से क्या कहते हैं, जीरो पॉइंट हमारा क्या करे मेन स्केल के जिस पॉइंट से कौन साइड, जनरली तो हम लोग कहते हैं अगर दोनों का जीरो टैली करता है तो सबसे एक्यूरेट मेजरमेंट हो देगा, बट जनरली ऐसा हो नहीं पाता है। उस केस में क्या करते हैं, जीरो पॉइंट जहाँ से हमारा क्या करता है मेन स्केल को मैच करता है, जहाँ पर मेन स्केल को क्या करता है मैच, जैसे मान लो 39 डिवीजन आपका क्या वन ईयर स्केल का है, 40 डिवीजन मेन स्केल पे मैच करता है ठीक, या जो भी आपको रिलेशन वहाँ दिया रहेगा उसके बेस में हम लोग कैलकुलेट करते हैं क्या वहाँ पे एक बी एस डी की वैल्यू एक एम एस डी के टर्म में कितना होगा। तो हमेशा जो बी एस डी होता है वन ईयर स्केल डिवीजन वो एम माइनस वन एम एस डी के बराबर करके हम लोग काउंट करते हैं। जैसे मान लो कि आपका 40 बी एस डी जो है 39 क्या एम एस डी से मैच कर रहा है, कितने से 39 एम एस डी से मैच कर रहा है, तो एक बी एस डी की वैल्यू हो जाएगी 39 अपान कितना 40 के बराबर। जैसे कहा गया कई बार इसी पे इसी डाटा का क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि 40 बी एस डी कंटेंस के डिवीजन मैच क्या 39 एम एस डी 39 एम एस डी से मैच कर रहा है, इसका मतलब बी एस डी का एक डिवीजन की वैल्यू ज़्यादा होगी कि क्या एम एस डी के एक डिवीजन की वैल्यू ज़्यादा है, इसका वैल्यू बड़ा है अरे बी एस डी के 40 खाने एम एस डी के 39 खानों के बराबर उसको दिल्ली में ऐसे बोलते हैं ठीक, तो कौन बड़ा है एम एस डी बड़ा है, 40 खान उसके 39 के बराबर हो रहे हैं ना, तो एम एस डी बड़ा है। तो यहाँ पर एक बी एस डी और बी एस डी की वैल्यू आपको निकालना है, 39/40 39/40 एम एस डी के क्या हो जाएगा बराबर, ये 1 बी एस डी की वैल्यू होती है। और लीस्ट काउंट हम लोग लिखते हैं लिस्ट काउंट का आपका काम आप वन ईयर कैलिपर ये होता है 1 एम एस डी माइनस 1 बी एस डी के बराबर होता है, ये इस फार्मूले को हम लोग यूज़ करते हैं लिस्ट काउंट क्या करने के लिए फाइंड आउट करने के लिए। तो वहाँ पे अगर आपको नंबर दिया है और जनरल से फार्मूला लेते हैं तो बोला था ईयर बी एस डी अगर एन माइनस 1 एम एस डी से मैच कर रहा है तो कितना उसका लिस्ट काउंट होगा वो वैल्यू हमें निकालनी होती है। तो लिख लीजिए पहले उसको मत लिखिए पहले लिख लीजिए ऐसे बोले देखिए एफ ईयर ईयर बी एस डी ईयर बी एस डी मैच विथ चलिए देखिए, तो बी एस डी और एम एस डी की हम बात कर रहे हैं तो क्या इफ एन बी एस डी कोइंसाइड विद एन माइनस 1 एम एस डी एन माइनस 1 एम एस डी मेन स्केल डिवीजन एन माइनस 1 एम एस डी लिखिएगा देन एम एस डी मतलब क्या मेन स्केल डिवीजन बी एस डी मतलब वन ईयर स्केल डिवीजन एम एस डी एम एस डी के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से निकालेंगे तो एन बी एस डी के बराबर माइनस वन एम एस डी तो वन बी एस डी बराबर कितना हो जाएगा एन माइनस वन अपॉन कितना एन एम एस डी के बराबर। ये एक वन ईयर के डिवीजन निकालने का तरीका, जैसे हमने 39/40 का वैल्यू लिया था तो 39/40 आ गया, अगर 40/50 होता तो जो भी डाटा रहेगा एक ही का वैसे जनरली डिफरेंस दिया जाता है ठीक, तो उस केस में जो भी डिफरेंसेस रहे उसमें डाटा रख के हम लोग निकाल लेते हैं। अब नीचे लिखिएगा सो लिस्ट काउंट ऑफ वन ईयर कैलिपर्स
लेस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स हो गया। चलिए ये कंडीशन आपका होता है। अब एरर जो होते हैं हमारे, जब डिटरमाइन करते हैं जीरो एरर, एक जीरो एरर का मतलब अगर दोनों का जीरो इसके जीरो पॉइंट अगर कोइंसाइड नहीं कर रहा है, उनमें कुछ वेरिएशन है, तो उसी को हम लोग कह लेते हैं बेटा जीरो एरर। जैसे आप नापते हो ना, मान लो इसका हमें मेजरमेंट लंबाई नापनी है, आपके पास स्केल है, अब स्केल का जीरो इसके एंड पे जब टच कराएंगे तभी तो सही रीडिंग देगा। अब उसका जीरो पता लगा आपने इधर कर दिया या इधर कर दिया, तो इसका मतलब रीडिंग क्या होगा, गलत होगा। इसी तरह से जब हम यहाँ से भी आपको क्या करते हैं काउंट करते बेटा, तो दोनों का आपका क्या जीरो पॉइंट मैच करना चाहिए। अगर मैच कर रहा है तो एरर की वैल्यू समय मिनिमम होने के चांसेस होंगे, अगर आपको मैच नहीं कर रहा है तो उसके वजह से भी एरर डेवलप होता है, उस एरर को हम लोग कहते हैं जीरो एरर। बेटा बीच में कुछ कोई थोड़ा सा व्यवस्था करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अब चीज़ें समझा दी गई हैं, तो अब अगला एक टॉपिक शुरू होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, बीच में मतलब थोड़ी सी। तो इस केस में आप निकाल लेते हैं क्या क्या कितना आपका होगा लिस्ट काउंट की वैल्यू, वहाँ से डिटरमाइन हो जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन इस पर कर लीजिए, जल्दी से करिए, ठीक है। ये वर्नियर कैलिपर्स क्वेश्चन लिखिए कि वर्नियर कैलिपर्स एज द मेन स्केल ऑफ एज इट्स मेन स्केल ऑफ 10 सेंटीमीटर, मेन स्केल ऑफ 10 सेंटीमीटर इक्वली डिवाइडेड इंटू टू हंड्रेड इक्वल पार्ट, एक 200 इक्वल पार्ट, मतलब 10 सेंटीमीटर को 200 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक पार्ट की लंबाई कितनी होगी, 10 बटे 200। अरे भाई 10 सेंटीमीटर को 200 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक पार्ट की लंबाई 10/5 कितना हो गया 200, वो MSD की वैल्यू मिलेगी। अगर डायरेक्ट MSD लिया नहीं है इस टाइप से आपको बन जाता है, तो लिखिएगा क्या लिखे बेटा 200 इक्वल पार्ट। आगे लिखिएगा इट्स वर्नियर स्केल ऑफ 25 divisions, इट्स वर्नियर स्केल ऑफ 25 divisions कोइंसाइड विथ 12 mm ऑफ मेन स्केल, 12 mm ऑफ मेन स्केल ऑफ मेन स्केल, मेन स्केल के 12 mm पे मैच कर रहा है, ठीक। देखिए फाइंड द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट सेंटीमीटर में आपके 200 पार्ट है ना, तो एक MSD मेन स्केल पे एक MSD वैल्यू, एक खाने की लंबाई जो हो जाएगी वो 10/200। तो नीचे लिखिएगा नीचे लिख लो पूरा स्टेटमेंट लिखा दें बता दें, क्वेश्चन में बोला गया है कि 25 divisions आपका किसका वर्नियर स्केल का, ठीक है, कौन साइड कर 12 mm पे ना बेटा, एक MSD की वैल्यू 0.5 mm है, एक MSD की वैल्यू 25 mm है, तो ये वाला अगर 12 mm पे वो कौन साइड कर रहा है तो इसके कितने MSD बनेंगे, उतने में कितने MSD बनेंगे,
अरे भैया जैसे 0.5 एम एम बराबर 1 एम एस डी है ना, 1 एम एस डी का तो 0.5 एम एम है, तो हमारे पास 12 एम एम देखो उसका 12 एम एम कोसाइन करना है जिसके लिए, तो 12 एम एम का कोसाइन करेगा तो ये आएगा 12 बार कितना 0.5 कितने का ऊपर के 24 एम एस डी, यानी कि वर्नियर स्केल का 25 है 25 जो आपका वी एस डी है वर्नियर स्केल वाला वो 24 एम एस डी से मैच कर रहा है, ये हो गया 25 वी एस डी बराबर कितना 24 एम एस डी, घर पे एक बार लगा लिया नहीं समझ में आएगा फिर से दोबारा पूछ लीजिए ठीक। अब यहाँ से 1 वी एस डी की वैल्यू आप निकालोगे तो 24 अपान कितना 25 एम एस डी के बराबर हो जाएगा, एक वी एस डी की वैल्यू ये मिल गई। और हमें चाहिए क्या था लीज काउंट, तो लीज काउंट का वर्नियर स्केल हो जाएगा वर्नियर स्केल, इसकी वैल्यू है वर्नियर कैलिपर्स का लो इसकी वैल्यू आप निकालेंगे 1 एम एस डी माइनस कितना 1 वी एस डी, 1 एम एस डी की वैल्यू कितनी आई आपकी 0.5, 0.5 कितना लिखा आपने 0.5 आपने लिखा है, और 1 एम एस डी की वैल्यू कितनी आ रही है 1 वी एस डी की वैल्यू। अब इन दोनों का डिफरेंस आप निकाल लीजिए, तो जब निकाल लेंगे तो वही वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी ठीक, आंसर रख लो 0.5 माइनस 24 अपान कितना हो गया 25। अब यहाँ से आप 25 करके वैल्यू हम लोग क्या करेंगे कैलकुलेट कर लेंगे कितना आपका यहाँ पर लिस्ट काउंट होगा, तो लिस्ट काउंट की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू पुट कर लीजिएगा लगभग 0.05 या जो भी कैलकुलेट करने पा रहा है वैल्यू रख लीजिए हो जाएगा बेटा, देख लो कितना आ रहा है कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ रहा है कर लेंगे 0.46 माइनस 0.46 जो वैल्यू आ रही है आप वहाँ से क्या करिए फिर कैलकुलेट कर लीजिए 1 एम एस डी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी पहले से मालूम था कितना आ रहा था, और 1 बी एस डी की वैल्यू यहाँ से सिंप्लीफाई करके निकाल के वहाँ दोनों सब्ट्रैक्ट कर लिया वैल्यू मिल जाएगा हो जाएगा 0.46 जो भी आ रहा हो कैलकुलेशन वाली कंप्लीट कर दिया जाएगा ये कभी बच गया क्या स्क्रू गेज ठीक सर ग्रुपों बना क्या यूनिट मेजरमेंट कर आज यूनिट मेजरमेंट का पूरा पहले सेव करना पड़ता है तब ग्रुप बन पाता है टाइम ही नहीं मैनेज हो पाया देखते हैं कर दीजिए सर।